हेलो गाइस, तो अगर आपसे कहा जाता है यहाँ पे जो नाम दिए हुए हैं इनके आगे आपको मिस्टर लगाना है, तो एक्सेल के अंदर हम लोग ये कैसे कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको जो भी नाम के आगे मिस्टर लगाना है उसको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद देखें, यहाँ पे दिया हुआ है जर्नल, जर्नल में आना है और आपको आना है सबसे लास्ट में मोल नंबर फॉर्मेट, इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद देखें, यहाँ पे लास्ट में ऑप्शन मिल जाता है कस्टम का, आपको कस्टम पे आना है और कस्टम पे आने के बाद आपको जर्नल को हटा देना है। तो यहाँ पे जर्नल को हटा देते हैं। अब यहाँ पे आपको लगाना है कोटेशन मार्क, उसके बाद यहाँ पे टाइप करेंगे MR, उसके बाद पॉइंट लगाएंगे और इसको इन्वर्टेड कॉमा को बंद कर देना है। फिर आपको यहाँ पे टाइप करना है एट, बस आपको इतना सा टाइप करना है, उसके बाद कर देना है ओके। जैसे ही आप ओके करोगे जो भी नाम यहाँ पे दिए होंगे उन सभी के आगे मिस्टर ऑटोमेटिक लग जाएगा। ऐसे ही आप यहाँ पे भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पे कोई भी नाम टाइप कर देते हैं। अब से देखिए अभी कुछ भी नहीं हुआ, पर अगर हम चाहें तो यहाँ पे पूरे इतने सेल में हम लोग लगा सकते हैं ये फार्मूला। तो पहले तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद आपको आना है यहाँ पे, यहाँ पे आपको छोटा सा एरो दिख जाएगा, फिर आपको लास्ट में आना है मोन नंबर फॉर्मेट। अब इसका शॉर्टकट होता है Ctrl 1, अगर आप चाहो तो Ctrl 1 भी कर सकते हो। तो ये Ctrl 1 हो गया। उसके बाद आपको आना है कस्टम में, और कस्टम में आने के बाद इसको हटा के आपको फिर से वही टाइप करना है। पहले तो यहाँ पे आपको टाइप करना है इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद टाइप करना है MR, फिर पॉइंट लगा के थोड़ा सा स्पेस देंगे और इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे बंद कर देंगे। उसके बाद आपको टाइप करना है एट और इसके बाद कर देना है ओके। जैसे ओके कर दोगे इतने सेल पे वो अप्लाई हो चुका है। अब यहाँ पे अगर हम कोई भी नाम टाइप करेंगे तो मिस्टर ऑटोमेटिक यहाँ पे लग जाएगा। जैसे यहाँ पे टाइप कर देते हैं पवन, तो देखिए मिस्टर पवन हो गया। जो भी नाम हम यहाँ पे टाइप करेंगे उन सभी में ये ऑटोमेटिक लग जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी नाम हम टाइप करेंगे तो उसमें वो मिस्टर ऑटोमेटिक लग रहे हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।